हे गाइस, तो यम लग रहा लम लम लग रहा। हाँ, कुछ समझ आया क्या बोला मैंने? तो यार ये था एक जस्ट लाइक आज अपन बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का किसी ने नाम ना सुना हो, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे रामायण महाभारत से शुरू हो चुका है तमिलनाडु। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मेरे सबसे, मैं जिनका फैन हूँ सबसे बड़ा, ठीक है, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एंड दिस इज बिलोंग टू तमिलनाडु। ओके, सो यार श्रीलंका के उधर साइड, समुद्र की साइड ही एक छोटा सा हमारा स्टेट है तमिलनाडु, जहाँ पे जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो जो है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज ए रियली नाइस इंस्टीट्यूट। यार सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है बच्चों को वहाँ पे जाने का, वो ये होता है कि भैया जो है मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आती। ओके, और मुझे भी नहीं आती जनरली उधर की लैंग्वेज, मतलब कैसे समझ आएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार तुमको गांव से क्या करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर तो प्रोफेसर दिल्ली से भी है, राजस्थान से भी है, हरियाणा से भी है। सो वो तुम्हें इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ओके, वो तुम्हें जो है इंग्लिश से पढ़ाएंगे, तो आप उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो लोग जो है साउथ के हैं तो साउथ में बोलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर एक दो दोस्ती होता है तुम्हारे आसपास का जो कि तुमसे जो है उसमें बात करेगा तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि जो है एडमिशन सारा का सारा जो होता है मार्क्स के बेसिस पे होता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो है साउथ के सारे बच्चे आ जाए, इट्स इम्पॉसिबल या पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी हाल में डिमांड कोर्सेस है, जस्ट लाइक MSc मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है। हरियाणा से बहुत सारे बच्चे जाते हैं, राजस्थान से जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, झारखंड से जाते हैं, बिहार से जाते हैं। सो आप ये बिल्कुल भी ना घबराएं कि लैंग्वेज का इश्यू होगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के अंदर, तो आप लैंग्वेज के चक्कर के अंदर एडमिशन को बिल्कुल ना छोड़े। आप चाहे तो वहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे इधर के जो है हम जो ले रहे हैं, ओके, इधर राजस्थान, दिल्ली एंड गुजरात एंड इधर के लोग, वहां पे भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के अंदर। अब ये क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चों का कि भैया हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है CUCT का, वो कब आ रहा है? अभी तक कोई अपडेट नहीं है, 15 मार्च चली गई है। सो यार आज 20 मार्च हो चुकी है, और जो है लास्ट अपडेट जो था वेबसाइट अपडेट का 15 मार्च था। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट वीक ऑफ मार्च तक जो आप वेट कर लीजिए, और लास्ट वीक ऑफ मार्च तक आई थिंक आपको अपडेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। और जो भी ये लोग बोल रहे हैं जस्ट लाइक ये CUET होगा, CUCET होगा, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो CUCET.NTA.NIC.IN की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। सो आप जो उस पर जरूर विजिट करते रहे, और जल्द से जल्द उस पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा इसकी तरफ से। ओके, अब रही बात आपके प्लेसमेंट्स की और इसके कोर्सेज की, यार फीस तो ऑलमोस्ट की नॉमिनल है। प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का ये खुद का दायित्व बनता है कि वो प्लेसमेंट करवाए, और वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो इसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि प्लेसमेंट आपका होगा नहीं, प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन रही बात ये है कि टॉप के इंस्टीट्यूट है, इसलिए एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल गाइस। पिछले साल यार बहुत ही कम बच्चों ने अप्लाई किया था ड्यू टू COVID-19, और इतने सालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के रिगार्डिंग अवेयरनेस भी नहीं है बच्चों के अंदर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियां होती क्या है, पता भी नहीं है बहुत सारे बच्चों को। ओके, अब अगर अपन बात करें पिछले साल कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, 3 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। इस साल अगर अपन एक्सेप्टेड अगर अपन बात करें तो कम से कम जो है 5 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। 5 लाख में से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के पास 500 सीटें भी नहीं है, 500 सीटें, 400 सीटें अगर अपन मान के चले तो दिस इज एन मैक्सिमम सीटें। ओके, सो यार 5 लाख बच्चों में टोटल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास, उसके अंदर भी 2 से 3 हजार सीटें अवेलेबल हैं, और इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। सक्सेस रेशियो अगर अपन बात करें तो 0.80% ही सक्सेस रेशियो है। ओके, सो यार खूब जचा के पढ़ाई करो। ओके, और जो है अपने किताबों से, पेन से, कलम से मोहब्बत कर लो। ओके, और तब जाके तुम लोग सक्सेस हो सकते हो। बहुत सारे बच्चों की इसके रिगार्डिंग क्वारी आ रही थी कि भैया हम प्रिपेयर कैसे करें, कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, तो इसके रिगार्डिंग हमने 2 नए कोर्स लॉन्च कर दिए, प्लान लॉन्च कर दिए। नॉर्मल प्लान, प्राइम मेंबरशिप प्लान, आप दोनों को ज्वाइन, एक को ज्वाइन कर सकते हो दोनों में से, जिसके अंदर जो प्राइम मेंबरशिप प्लान के अंदर हम आपकी अंगुली पकड़ के रखेंगे लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। और हाँ, 100% ट्राई करेंगे कि आपका एडमिशन हो जाए। अगर बाई चांस अगर एडमिशन नहीं करा पाते हैं, देन आपका फुल रिफंड करेंगे।
ओके। और जो है सॉरी, फुल तो रिफंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रिफंड करेंगे। और जो है आपको इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको जो है एडमिशन दिलाएंगे विद 15 लाख LPA प्लेसमेंट पैकेज। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जस्ट लाइक RTU कोटा, MBM जोधपुर, IPU इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका दिल्ली, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, NSUT ओके, एंड IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओके, बाप कॉलेज है वैसे वो भी, और भी बहुत सारे हजारों कॉलेज भरे पड़े हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ओके। जादवपुर यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए और जचा के फोड़ दो इस एग्जामिनेशन को। और हाँ, डंका बजना नहीं चाहिए तुम्हारे नाम का कि हाँ क्या फोड़ा है ओके। और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ तो मेरे पास इंटरव्यू देने भी आना कि भैया हम सक्सेस हुए हैं। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। धन्यवाद।